कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज सीधा लाइव तस्वीरें आपको जीरकपुर से दिखा रहा है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, वो है अश्विनी मल्होत्रा जी। अश्विनी मल्होत्रा से होगी मुलाकात। उन्होंने दावा किया है कि जहां से मोदी चुनाव लड़ेगा मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा यदि कांग्रेस पार्टी मुझे दे टिकट, और हर मुद्दे पर होगी वार्तालाप। आखिर क्या सोच लेकर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुलाकात करते हैं दीपक पाठक के द्वारा और लेते हैं आगे की जानकारी। आखिर अश्विनी मल्होत्रा की सोच क्या है। मल्होत्रा जी, आपसे हम कुछ सवाल करने चाहते हैं। जो सवाल आप दावेदारी पेश कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से नेक्स्ट एमपी होने की, तो इसमें कितनी सच्चाई है और इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया आपके पास? ऐसे है, मैं वहां का विजेता हूं क्योंकि मैं शहर का हूं, मैं उनका सलामा हूं, सेवक हूं, चरणों की धूल हूं। वो कुरुक्षेत्र जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मेरा पूरा परिवार है, क्योंकि मैं उस परिवार की सेवा करना चाहता हूं। और वर्ल्ड मैप के ऊपर जो है वो कुरुक्षेत्र की कृष्ण भगवान की नगरी को वर्ल्ड मैप पे लेकर आना चाहता हूं और वहां वो करके दिखाना चाहता हूं जो ये कहें कि 75 साल में आज तक कोई ऐसा एमपी यहां कुरुक्षेत्र में पैदा ही नहीं हुआ जिसने हमारे कुरुक्षेत्र को चार चंद लगा। तो मल्होत्रा जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका ऐसा भी सुनने में आया है कि आप नरेंद्र मोदी के अंगेंस्ट खड़ा होना चाहते हैं, ऐसा भी हमने सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे मैं 101% जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। और मैं इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता हूं? वहां जो जीत होएगी वो सच्चाई की जीत होएगी। उनके पास झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ है। मेरे साथ शिव जी भोले बाबा हैं, कृष्ण मुरारी हैं और मेरे पास सभी देवी देवता हैं, क्योंकि मैं सच का इंसान हूं और सच्चे बाप का बेटा हूं और सच्ची कृष्ण की धरती से, सच की धरती पे जो मेरी कर्म भूमि है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मेरे को नरेंद्र मोदी जी के टिकट दे, मैं इलेक्शन 101% लड़ने के लिए तैयार हूं। और इसको वर्ल्ड में या इंडिया में जहां भी इसको कोई मैया बुलाती है मेरे को वहां बाप भी बुला रहा है और मैया भी बुला रही है और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। तो आपका रीजन ये है कि देवताओं के आशीर्वाद से, उनके हौसले से आप वहां का जो सीट है बनारस की सीट है उसको जीत लेंगे, या कुछ और कार्यकर्ता या कुछ और आपके बैकग्राउंड के पीछे है? मेरे को अपने इष्ट देवते भगवान पे मेरे को बहुत विश्वास है, क्योंकि ये आत्मा जो है ये भगवान की ही अंदर से बात जो है ये भगवान की बात है, ये मेरी बात नहीं है। मेरे को जो आवाज आती है मेरे भगवान की आवाज आती है, मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि मैं मिट्टी का बना हूं, राग बनना है। और जो बनारस की धरती है वहां के लोगों का प्यार लेना चाहता हूं, क्यों जैसे कृष्ण कन्हैया की कुरुक्षेत्र नगरी है, मैं यहां से भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं कुरुक्षेत्र से भी, और मैं वहां बनारस से भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैं साथ ये भी चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इंडिया के किसी भी कोने पे वो खड़े होते हैं कहीं भी उसको मैया बुला रही है तो मेरे को बाप भी बुला रहे हैं, मेरी मैया भी बुला रही है, मैं उनके लिए सिलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मेरे को कांग्रेस पार्टी टिकट दे, मैं 101% आज से ही वहां मोर्चा लगाना शुरू कर दूंगा। वहां जाके अपनी एक एक सदामा भर के मैं लोगों के बीच में जाके अपने मुद्दे उठाऊंगा। जो नरेंद्र मोदी ने इंडिया में आज प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो वहां बनारस में काम नहीं किए, जो उनके काम है उनके सपने को मैं बनारस वालों को पूरा करूंगा। और मेरे को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत विश्वास है क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं। बात करें कुरुक्षेत्र से, अगर वहां पर आपका कहना है कि पंजाबियों की वोटे ज्यादा है, पंजाबी ज्यादा है, तो आप ये जातिवाद की बात क्यों करते हैं? ऐसे है, मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं है, मेरे अंदर इंसानियत और मानवता है। और मैं जितना झाड़ू वाले से प्यार करता हूं, मैं हो सकता हूं उतना पंजाबी से भी प्यार ना करता हूं। जो सब्जी बेचने वाला है, जो रक्षा चलाने वाला है, थ्री व्हीलर है, वो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, और मेरा वो कृष्ण है। मैं किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, कोई भी छोटा दुकानदार हो, कोई भी हो, लेकिन जिसके अंदर प्रभु है मैं उसके साथ हूं, उसके लिए मेरा खून का कतरा कतरा हाजिर है। और कृष्ण की भगवान की नगरी है कुरुक्षेत्र में,
मैं पंजाबी कहता हूं, मैं पंजाबी अपने आप को कहता हूं, पंजाबी की डेफिनेशन लोगों को पता ही नहीं है। जो पांच दरिया के अंदर लोग रहते हैं उसमें जाट हो, लोहार हो, तरखान हो, बाजीगर हो, शिमे हो, चोपड़े हो, धमन हो, रोड़े हो, खतरी हो, कोई भी हो, उसको पंजाबी कहते हैं। पंजाबी मेरी कोई जाति नहीं है, पंजाबी मेरा कोई नाम नहीं है। पांच दरियावों की धरती के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं उनको पंजाबी कहा जाता है। ये भी मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि पंजाबी शब्द है क्या। पांच दरियावां दे नाम दे उत्ते पंजाब, पंजाब तो बाद पंजाबी, ये हमारी मातृ शक्ति मां है हमारी पंजाबी। या अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है एमपी का चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र से, तो क्या विजन रहेगा आपका? मेरा विजन, सबसे पहला विजन ये है कि क्योंकि कुरुक्षेत्र का मैं एक सदामा हूँ, सेवक हूँ और वहां का हूँ, और मैं वहां एक एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ, वहां मैं कोच फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, मैं वहां एयर मिशन बस स्टैंड बनाना चाहता हूँ, मैं वहां फूड प्रोसेसिंग का हब बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रदूषण रहित जो है हमारा कुरुक्षेत्र जो है वो वर्ल्ड लेवल पे मैं उसको लेके आना चाहता हूँ। अच्छे अच्छे होटल बनाना चाहता हूँ, जैसे ताज होटल है, रेडिसन होटल है, या ये और अच्छे अच्छे होटल है, मैं वहां बहुत अच्छे होटल देखना चाहता हूँ, बढ़िया फार्म हाउस देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो कृष्ण भगवान की नगरी है, और वहां जो है वो ऐसा एक कोच फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, कैथल में बनाऊं, या मैं वो कहीं अपना पेवा में बनाऊं, या क्लैट में बनाऊं, या कुंडरी में बनाऊं, मैं एक कोच फैक्ट्री भी देखना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण भगवान की नगरी में हमारे वहां यूनिवर्सिटी है, हमारे वहां सब कुछ है, उसके बावजूद जो है वहां जॉब के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। मेरी ये सोच है कि जो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नाम के बच्चे जो बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, जिन्होंने इतनी बढ़िया डिग्रियां दी हुई हैं, जब वो खाली घूमते हुए देखता हूं तो मेरे को इतनी परेशानी होती है कि आज हमारे बच्चे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस देश की, हमारी कुरुक्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, उनको जॉब नहीं मिलती। जब जॉब नहीं मिलती तो उनका पेट भर खाना नहीं मिलता, जब उनको खाना नहीं मिलता तो दर्द मेरे को भी उतनी होती है, क्योंकि डिग्री को प्राप्त करने के लिए 25-26 साल की उम्र हो जाती है। अजय उस बच्चे को कहीं जॉब नहीं मिलती तो उसकी शादी कैसे होगी? मैं भी बहुत बच्चों की टेंशन लेता हूं, और मेरे शहर के अंदर ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। चलो आखिरी सवाल आपसे, आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जैसे कुरुक्षेत्र की जो जनता है उसे क्या अपील करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पाठक जी, आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं और आपके अंदर कूट कूट के ईमानदारी भरी हुई है। आपका चैनल जो है ये मैं आज तक की तरह देखना चाहता हूँ, आपका चैनल मैं चीज न्यूज की तरह देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप वेदर शर्मा से भी बढ़िया और ऑनेस्ट मैन हो, ईमानदार आदमी हो, क्योंकि जो आप मीडिया देखते हो बड़ी ईमानदारी से मीडिया देखते हो, और आप जमीन के लेवल के जो आदमी है उनको आप कुर्सियों पर बिठाना पसंद करते हो, क्योंकि ये आप पैराशूटों को पसंद करते हैं, लेकिन आप एक अच्छे ईमानदार आदमी को, जैसे आज आप किसी के ऑफिस में, ये कृष्ण का ऑफिस है, और सुदामा के पास आज आप आए हो, और मैं आपको कृष्ण के रूम में देख रहा हूं कि आपने जो मेरे से चार सवाल किए हैं, इन सवालों की ये जो वैल्यू है, ये एक दिन यहां कृष्ण भगवान मेरी प्रभु के लिए प्रार्थना है कि आपकी ये जो व्हाइट लाइट दी हुई है ये चार चंद लगाएगी, और आप मेरे को जो देखना चाहते हैं, जो आपकी अंदर की आवाज है वो ये देखना चाहते हैं कि मल्होत्रा जी एक बार लोकसभा में वहां पहुंचे, और हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो है वो 2024 में प्रधानमंत्री बने, और हमारी प्रियंका गांधी जो है वो यूपी की मुख्यमंत्री बने। मेरा खून का कतरा कतरा इस परिवार के साथ है, क्योंकि मेरी जड़ ही कांग्रेसी है, मैं शुरू से कांग्रेसी हूं, और मैं कांग्रेस परिवार के अंदर पैदा हुआ हूं। माननीय फोर फादर्स हमारे जो कांग्रेसी हैं, और मैं अपने फैमिली के भी 10 मेंबर पंजाब में गवा कर आया हूं, मेरे ब्लड के अंदर कांग्रेस है, तिरंगा है, ये धरती मां का दिया हुआ सब कुछ है, मैं बहुत प्यार करता हूं, और आपके चैनल को मैं आज बहुत ऊंचा देखना चाहता हूं, ये मेरी दुआएं हैं, बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए कि आप आगे बढ़े और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और आप हमेशा आगे का रास्ता पकड़े, कभी पीछे मुड़कर ना देखे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय